कोरोना वायरस से डामाडोल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत गुजरात के एक बड़े वर्ग के लोगों तथा कारोबारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है। गुजरात सरकार की योजना के तहत 1,00,000 रुपए तक के लोन देने की घोषणा की गई। कोरोना वायरस के चलते हुई तंगी को झेल रहे लोगों को शायद अब कुछ राहत मिलने का आसार है, क्योंकि इस योजना के बदौलत सूरत के जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना जो मुख्यमंत्री श्री द्वारा लागू करवामां आवी छे, एना अंतर्गत आज रोज मने 1,00,000 रुपयानो वराछा कोऑपरेटिव ना तरफ मेळ्यो छे। वराछा कोऑपरेटिव बैंक तेमज चेरमेन डायरेक्टर तेमज ऑफिसरो तरफ खूब खूब आभार, जेथी आजे मारा जे धंधो छे बेनर प्रिंटिंगनो जे एने माल मटेरियल खरीदीमां मने आज खूब सहायरूप थशे। सूरत के सोशियो सर्कल इलाके में स्थित वराछा कॉर्पोरेटिव बैंक की शाखा में गुजरात सरकार की आत्मनिर्भर सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। बैंक के इस कार्यक्रम में लाभार्थियों के अलावा स्थानीय नेताओं को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम में मौजूद रही सूरत की सांसद दर्शनाबेन जरदोष और सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष नितिन भजियावाला के हाथों से सरकारी योजना के चेक को बांटा गया था। कोरोना संकट ने कारणे खूब सामान्य परिवारों जे दररोज नु लईने दररोज પોતાનો ઘર ચલાવતા હતા, મહિનાની કમાણી ઘર ચલાવતા હતા, આવા નાના પરિવારોને મદદરૂપ થવા માટે ગુજરાત સરકારની આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના શરૂ થઈ છે અને અમે અમારા ખાતેદારોને લોન લેવા આવનાર સામાન્ય પરિવારોને આજે 1,00,000 સુધીની લોન આપવાની શરૂઆત કરી છે અને પહેલા જ દિવસે આ આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના ગુજરાતમાં શરૂ થઈ એના પહેલા જ દિવસે વરાછા બેંક તરફથી 200થી વધુ ખાતેદારોને 1.5 કરોડ રૂપિયાની લોન આજે પહેલા દિવસે અમે આપી શક્યા છીએ। આ યોજનામાં વરાછા બેંક સહભાગી થઈ શકી છે। आपको बता दें कि पहले ही दिन सूरत में करीबन 200 लाभार्थियों को लोन के रूप में 1.5 करोड़ के चेक दिए गए हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।